Hello and welcome back to my channel. Good to see you after a long time, guys. आज काफ़ी दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, वो इस वजह से कि मैं कहीं थोड़ा बिजी था, इस वजह से आपसे मुलाकात नहीं हो पाई। और मैंने और मेरे कुछ दोस्तों ने मिलकर कैंपिंग का प्रोग्राम बनाया, तो आज हमारा कैंपिंग का इरादा है, आज हम जा रहे हैं। लेकिन जगह एक सरप्राइज़ है, वो मेरे फ्रेंड्स कहते हैं कि वो इट्स गोना बी अ सरप्राइज़ फॉर यू, लेट्स सी वेयर वी गोना गो। मेरे जो फ्रेंड हैं वो ऑलरेडी कैंपिंग करते हैं, तो उनका काफ़ी एक्सपीरियंस है इसमें। मेरा तो लाइफ में फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होगा कि मैं जा रहा हूँ कैंपिंग पे। मैंने कभी आज से पहले कैंपिंग नहीं की, एंड होपफुली इंशाल्लाह दिस इज गोना बी द वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माय लाइफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है नाज़रीन, ठीक है? ये हमारा जो कैंपिंग का प्लान है, वैसे हम तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, ना मैंने आज से पहले कैंपिंग की है और ना ही मास्टर ने की है, हमारा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है और इंशाल्लाह इट्स गोना बी द वन ऑफ द बेस्ट वन। बस आप हमारे साथ रहिए और हम आपको साथ रखेंगे। वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम आपको साथ रखेंगे, हम अपनी ऑल द एक्टिविटीज़ विल रिकॉर्ड एंड विल शूट एवरीथिंग, और इंशाल्लाह वी विल ट्राई आर बेस्ट टू शेयर विद यू गाइस। बारबेक्यू वगैरह, और होपफुली इंशाल्लाह वेदर इज गोना बी ऑलराइट, क्योंकि अभी आज जो है ना बायर टू बी वेरी ऑनेस्ट इट्स क्लाउडी, मोस्ट लाइकली इट्स गोना बी अ लिटिल रेनी एज वेल। But I'm not too sure. Let's see. आपको बताया था कि हम कैंपिंग पे जा रहे हैं, अभी हमारी राइड आ गई है, हमारे दोस्त हैं, ही इज़ अ वेरी एक्सपर्ट गाय, ही ऑलवेज गो ऑल ओवर द प्लेसेस, और मैं अभी आपको उनका तारफ करवाता हूँ। ये इनका नाम है सलमान भाई, वो फिल्म स्टार मूवी वाले सलमान भाई नहीं, ये वाले सलमान भाई जी। तो मास्टर पीछे तशरीफ़ फरमाएं, आपको नज़र आ रहे होंगे। हमारा सफ़र अल्लाह का शुक्र है कि शुरू हो चुका है, रास्ते में इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे कि कैसा चल रहा है। अभी एट द मोमेंट तो आपको मैं दिखाता चलूं कि यहाँ पे कैसा चल रहा है और हम कैंपिंग पे जा रहे हैं। तो सी फॉर योरसेल्फ, हियर वी गो। तो अभी का तो जो सिनेरियो है वो इस तरह चल रहा है कि बारिश हो रही है, काफ़ी तगड़ी बारिश हो रही है। लेकिन हमारा ये प्लान बना हुआ था, काफ़ी दिनों से बना हुआ था, और हमने ये सोचा था कि जो भी हो जैसा भी हो हमने जाना ही जाना है। तो हमारा सफ़र अल्लाह का शुक्र है अब रवाना हुआ है, तो लेट्स सी, रास्ते में इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे, सीनरीज आपको दिखाएंगे, और इसके अलावा गपशप भी चलती रहेगी आपके साथ। तो स्टे विद अस एंड कीप एंजॉयिंग। हमारे ग्रुप मेंबर्स हैं दो और भाई भी हैं, अभी वो हमारा वेट कर रहे हैं, हम उनकी तरफ जा रहे हैं और हमने वहाँ से उनको लेना है, और देन वी गोना प्रोसीड फर्दर। सो स्टे विद अस। साथ साथ आपको ये भी दिखाता चलूँ कि ये हालात हैं बाहर के, ठीक है? आप अपनी आंखों से देख, तो ये परेशानी लगी हुई है कि ये इस बारिश में हमारे टेंट कहीं जो है ना, वो टेंटों में जब अगर सैलाब आ गया तो हम क्या करें। ये भी है कि इस तरह बारिश में हम टेंट लगाएंगे कहाँ? वाटरप्रूफ टेंट है। अच्छा वाटरप्रूफ टेंट है। अच्छा सामान भी बता रहे हैं, क्योंकि ये ऑब्वियसली इनको काफ़ी कैंपिंग का एक्सपीरियंस है, ये बता रहे हैं कि ये जो इन्होंने टेंट रखे हुए हैं वो काफ़ी अच्छे वाले हैं और वाटरप्रूफ हैं। और मुझे तो सोच के भी डर लग रहा है, रात को ठंड होगी तो कैसे चलेगा। लकड़ों का इंतजाम किया हुआ है। अच्छा लकड़ का भी इंतजाम किया हुआ है, वाह जी वाह। अच्छा इसका मतलब बोन फायर भी होगी है, बोन फायर होगी, इसके अलावा बारबेक्यू पार्टी होगी, और काफ़ी चिल माहौल होगा इंशाल्लाह। लेट्स सी। सैलाब की सूरत हाल को देख के तो मैं बहुत सख्त परेशान हुआ कि ये कैंप हम लगाएंगे किधर और क्या होगा, रात को हम सोए हुए तो कहीं पानी अंदर घुस गया तो हम क्या करें। वो कहते हैं ना, जब आप नया नया जब कोई काम होता है तो आपको पता नहीं होता, तो आप तरह तरह की प्रेडिक्शंस करते हैं। हमारी प्रेडिक्शन यही है कि हम सेफ़ रहेंगे, लेकिन अभी जो यहाँ पे बर्मिंघम में वेदर सिचुएशन है इट्स एब्सोल्युटली नास्टी। मोस्ट लाइकली जहाँ पे हम जा रहे हैं, आप ये सस्पेंस है कि हम कहाँ जा रहे हैं, ये अभी तक कन्फर्म नहीं हो पा रहा। यहाँ पे हमारे टीम मेम्बर्स हैं, वो कहते हैं कि जी जब बस आप इंजॉय करें जर्नी, हमने जहाँ ब्रेक लगाई है हम वहाँ पे रहेंगे, हम अच्छी जगह पे जा रहे हैं। अब लेट्स सी वो उन्होंने कौन सी जगह सेलेक्ट की हुई है। तो अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे, हमारे जो मीटिंग पॉइंट है कि हमारा जो बाकी ग्रुप मेम्बर्स हैं, दो भाई हमारे और हैं, वो यहाँ पर वेट कर रहे हैं। अभी हमारा ये
गेट टुगेदर पॉइंट आ गया। आप बाहर जाएंगे सलमान भाई? तो हम भी जाते हैं बाहर। बाहर मैं तो नहीं जा सकता क्योंकि ओबियसली मेरा कैमरा वाटरप्रूफ नहीं है, तो मैं नहीं चाहता कि मैं बाहर निकलूं और कैमरे में पानी पड़ जाए और सारे प्लान पे पानी पड़ जाए। था कि मैंने आपको बताया था कि हमारे दूसरे ग्रुप मेंबर्स भी हैं, और हमारे दूसरे ग्रुप मेंबर्स हैं जनाब शाह साहब। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब? ठीक है? और हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। और वो हमारे दूसरे भाई हो, क्योंकि आपने इतनी अभी तो बाहर बारिश हो रही है और आपने एंकल लगाई। यार ये पता नहीं, मैं जब तक ऐनक ना लगाऊँ ना, मुझे ज़िंदगी में कुछ सुकून और माहौल नहीं बनता ना। साल में जो वापदा के मैन लैन नहीं होते वही जो उनसे ठीक है वो देख ले, और वो सेम क्लासेस है और सेम ही सूरत हाल ये वो पाकिस्तान में ये कि वो लैन मैन रह के आए। सफ़र मंजिल की तरफ रवाना हुआ है, और टू बी ऑनेस्ट आप लोगों को बताऊं तो बारिश अभी स्टिल हो रही है। अभी हमें बर्मिंघम से निकले हुए अराउंड 15 टू 20 मिनट्स हुए हैं, अब हाफ एन आवर हुआ होगा शायद, लेकिन स्टिल इज रेनिंग वेरी हैवी। और अभी हमारे साथ एक मिसहैप ये भी हो रहा है कि हमें कैंपिंग के लिए जगह हम अरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बग़ैर परमिशन के आप कैंप नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, उसके लिए पहले आपको परमिशन ग्रांट करवानी पड़ती है, तब जाके आपको वो अलाउ करते हैं कि आप किसी जगह पे कैंप लगा सकें। लेकिन बारिश ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। आज मेरे ख्याल पूरा दिन वेदर फोरकास्ट रेन है। हमें पता नहीं था वैसे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमने कुछ दिन पहले जब चेक किया, हमारा जब प्लान बन रहा था कि हमने जाना है तो वेदर फोरकास्ट नॉर्मल थी, तो हम इसमें थे कि चलें अगर नॉर्मल है तो हमें जाना चाहिए। लेकिन आज जब हम सुबह उठे तो देखा तो बार बारिश हो रही थी, लेकिन ऑब्वियसली एवरीथिंग वाज रेडी, हमारा सारा प्लान था, तो इस वजह से हमें चाहते हुए या ना चाहते हुए हमें ऑब्वियसली अपने प्लान को प्रोसीड करना पड़ा। हमसे बहुत बड़ी गलती हुई कि सब ने मास्क पहने और हमने नहीं पहने हुए, इसकी कोई खास वजह नहीं? एज मेरी तो गाड़ी में पड़ा हुआ है मास्क वगैरह, ठीक है, इनके ही पड़ा हुआ है, बस तेज़ी में जौन सा है ना। अच्छा, लेकिन हमने सोशल डिस्टेंस रखा हुआ है ना, जो नहीं है एक्चुअली, मैं आपको बताऊँ वो तो ठीक है, लेकिन सोशल डिस्टेंस का मतलब हम तो हाउस होल्ड है ना, किस्म के हम तो एक गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं, हम एक गाड़ी में बैठ के आए हैं, हमारे लिए तो मसला नहीं है। लेकिन हमें सबसे ज़्यादा जो इशू था वो मास्क का था, क्योंकि सब लोगों ने अंदर मास्क पहने हुए हैं। आज आपकी ठीक है, हमें इस चीज़ के ऊपर ना थोड़ा केयर करना चाहिए, केयर करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आर यू गाइस रेडी टू गो नाउ? देख लें वेदर यहाँ का, इंशाल्लाह होप सो, जहाँ पे हम जा रहे हैं वहाँ का वेदर जौन सा है, अल्लाह करे कि बारिश वगैरह ना हो, हमारा ट्रिप जौन सा वो रीयून ना हो। चलें Thank you.
अभी हम पहुँचे हैं अपनी डेस्टिनेशन पे और कैंपिंग के लिए जब हम गए, एक ये कैंपिंग क्लब है एक, वहाँ पे गए तो उन्होंने कहा जी कि यहाँ पे जगह नहीं है, तो उन्होंने हमें एक नई जगह का बताया, तो अभी हम वहाँ जा रहे हैं और लेट्स सी कि अब हम वहाँ पे भी जगह ढूंढने में कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं, लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। अभी हम एक कैंपिंग साइट पर पहुँचे हैं और यहाँ पर भी जगह नहीं मिल रही और हमने फाइंड आउट करवाया कि अगर जगह अगर हमें मिल जाए तो कितने पैसे लगेंगे, तो उन्होंने हमें 4 nights का £400 मांगा है उन्होंने हमसे। और ये कैंपिंग साइट पैसे तो कम ही मांगे हैं, इतने ज़्यादा नहीं मांगे, पैसे कम मांगे और पैसे कम मांगे 7 days के, हमें 7 दिन आदि मांगे ना, मगर ऐसा एक रात रहना 7 nights या 7 £400 which is way too much। 7 nights के इन्होंने हमसे £400 मांगे। जगह तो बहुत प्यारी है, इट्स अ वेरी नाइस एंड फाइन लोकेशन, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। पहुँचे जगह तो बहुत प्यारी है लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास अभी जगह ढूंढ रहे हैं, हमारे पास अभी वो नहीं है, मिसमैनेजमेंट। ऑफ कोर्स यार, मैंने सबको बताना है, ऑब्वियसली ये देखें, ये एक इंतहाई दर्जे की मिसमैनेजमेंट हुई है, आपको पता है? मैनेजमेंट नहीं हुई है, ये तो अचानक प्लान बना है, वो इसी तरह ही होता है अचानक प्लान में। शाह जी ये तो आप एक्सक्यूज दे रहे हैं ना? नहीं नहीं, मैं तो यकीन करें मेरे दिमाग को मान में नहीं था कि इतना बिजी हो सकता है। कोरोना का टाइम है, सबसे बड़ा इशू ये है कि यहाँ पे सर्विस भी नहीं है। और जगह बुक करा आप, अच्छा नेटवर्क रखे तो सर्विस होगी आपकी। नहीं यार, अगर बुक हो सकती है तो अभी बुक कर लो, फोन कर लो ना उनको, फोन कर लो, अगर पॉसिबिलिटी बन रही है तो बुक कर लो, ताकि ये टेंशन तो दूर हो ना। अभी हमने अपने कैंप्स तो लगा दिए हैं, लेमन डाला, ब्लूबेरी और मिंट, तो काफी डिसाइड भी हो गए थे बीच में जिसमें बारिश हो रही थी। हाँ जी अब्बा जी।